आतंकवाद के साए में मुंबई पुलिस ने इस बार जीपीएस सिस्टम के जरिए गणेश पंडालों की सुरक्षा का काम संभाला। ये पहला मौका था जब जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया हो। गणपति की विसर्जन के इन लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर आते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या होती है उन वाहनों की होती है, उन गाड़ियों की होती है जिसमें गणपति बप्पा विसर्जन के लिए जाते हैं। उसी से निजात पाने के लिए मुंबई पुलिस की तरफ से एक नई नायाब तरीका लाया जा रहा है जिसमें GPS लगाए जाएंगे सभी गाड़ियों पर। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैप दिखाया जा रहा है, वो एक मैप ट्रैक किया जाएगा हर व्हीकल के ऊपर, उन गाड़ियों के ऊपर जिनके ऊपर बप्पा विराजमान होंगे और इमर्शन के लिए जाएंगे। इन GPS की सहायता से ना सिर्फ उन गाड़ियों का मूवमेंट पता चलेगा, उनकी गति पता चलेगी। इनके पास से जो कैमरा लगा होगा GPS में, उससे लाइव तस्वीरें, लाइव वीडियो भी मुंबई पुलिस को आते रहेंगी, तो उससे ये साफ हो पाएगा कि जो व्हीकल है, जो गाड़ी है, वो कहाँ पहुँची है और उसका जो मूवमेंट है वो किस तरीके से करना है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके GPS से आप ना सिर्फ आपकी पूरी गाड़ियों की एक रूट को दिशा निर्देश कर सकते हैं, उसकी लोकेशन कर सकते हैं, साथ ही में उनको अगर आपको डाइवर्ट करना हो या उनको कहीं से तब्दील करना हो, उनको कहीं और मूव करना हो, तो इस GPS के सहारे से कर सकते हैं, जो सिर्फ कंट्रोल रूम में बैठ के किया जा सकता है। फिलहाल ये जो प्रोजेक्ट है ये पायलट प्रोजेक्ट की तरीके से मुंबई पुलिस की तरफ से लिया गया है, लेकिन अगर ये सफल रहा तो इसे आने वाले वक्त में हर मंडल पे भी लगाया जाएगा। मुंबई से कैमरामैन शरद साहू के साथ धर्मेंद्र तिवारी।